ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। जुडको का खेल आज आपको हम दिखाने वाले हैं। जुडको यानी झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जुडको का जिम्मा क्या है? जुडको का जिम्मा है झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना, यानी बिल्डिंगें बनाना, पार्क्स बनाना, बस अड्डे बनाना, ये तमाम चीजें जो हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काउंट होती हैं उनको बनाना। जुडको के अधिकारी मेहरबान रहें अगर तो ठेकेदार पहलवान होता है। आज आपको जुडको के अधिकारियों का एक खेला दिखाने वाले हैं और आज ही नहीं, आज से अब हम आपको जुडको के अधिकारियों के खेल की पूरी सीरीज दिखाएंगे। सबके हिसाब इधर ही लिखे जाएंगे। आज सबसे पहले आप यह रिपोर्ट देख लीजिए। ISPT इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बस टर्मिनल देवघर में अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं वाला बस अड्डा, इसको बनवाने का काम जुडको कर रहा है, लेकिन इसमें खेला है। खेला को समझिए। जुडको ने ISPT देवघर के निर्माण के लिए टेंडर निकाला। इसका टेंडर हाईटेन कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को मिला। हाईटेन कंस्ट्रक्शन जोर शोर से यहां काम भी कर रही है। इस कंपनी के प्रोपराइटर नीरज सिंह। अब तक सब ठीक, सब चंगा सी, लेकिन आप देखिए खेल। तस्वीर नंबर एक, आप जिस लेटर को स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्सपीरियंस लेटर है। साफ दिख रहा है ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से जारी हुआ। स्पेशल वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जारी हुआ। 4 मार्च 2017 को ये जारी हुआ लेटर नंबर 174। JPSC में मल्टीपर्पज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है। इसमें नीचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में PK सिंह का हस्ताक्षर है। 12,528.68 क्यूबिक मीटर कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस। तस्वीर नंबर दो, आप जिस लेटर को स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी एक्सपीरियंस लेटर है। साफ दिख रहा है ये भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस से जारी हुआ। स्पेशल वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी जारी हुआ। तारीख 28 मार्च 2017 की चिट्ठी नंबर 242 पर नीचे हस्ताक्षर एक अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। एक काम के लिए दो सर्टिफिकेट कैसे, दो अलग अलग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैसे? क्या टेंडर देने से पहले इसकी जांच नहीं हुई? किस आधार पर मिला हाईटेन को यह काम? क्या दाल में कुछ काला नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। सोचिए, एक टेंडर के लिए कंपनी दो सर्टिफिकेट्स लगाती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से ये दोनों सर्टिफिकेट होते हैं, एक ही महीने में जनरेटेड है। जुमा जुमा 8-10 दिन का अंतर होता है, लेकिन दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स अलग अलग उस चिट्ठी में, बताइए कैसे हो सकता है। अच्छा, टेंडर का ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, जो भी थोड़ा मोड़ा इन जुडको के बारे में जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में झारखंड का जानते हैं, वो इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। ये कंपनी अच्छी खासी, मतलब यूं कहा जाता है कि भाई मुखौटा कंपनी है, कि कंपनी है और इसका काम जो है वो कोई और देखते हैं, इस तरीके की चीजें हैं। टेंडर का सिंपल सा फॉर्मूला ये हम जानते हैं कि भैया एक टेंडर निकलता है, बहुत सारी कंपनियां अपने अपना दाम भरती हैं, उसमें से एक शॉर्टलिस्ट होती है जो कि इनके कंडीशंस में ओके हों, और उसके बाद उसको काम का जिम्मा मिलता है। तो जो कंपनियां इस टेंडर को भरती हैं, भैया जो जिसने टेंडर निकाला है उनका तो काम है ना कि भाई इसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए। अब एक कंपनी है, दो डॉक्यूमेंट्स, दो सर्टिफिकेट्स लगाती है, दोनों ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है, तारीखें अलग अलग होती हैं और इंजीनियर अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या टेंडर, अब तो ISPT का काम भी लगभग लगभग आधा से ज्यादा हो चुका है, तो क्या मतलब कोई जांच करने वाला नहीं है क्या जुडको में कि भैया ये जो सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं
ये ओके हैं या फिर नहीं है दीपक? ये अभिषेक, ये जो जुटको की ओर से आईएसबीटी देवघर का जो काम दिया गया है हाईटेन को, तो मैं हाईटेन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। यह कंपनी 2016-17 में आरओसी से निबंधित हुई और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। इन्हें कहा जाता है कि राम कृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ये पेटीदार कंपनी है। इन्होंने कोई बड़ा काम आज तक नहीं किया है, सारी चीजें जो की है सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इन्होंने काम किए हैं, जिसमें से एक बड़ा काम है जो धुरुआ में जुडिशियल अकादमी जो बना है, न्यायिक अकादमी, उसमें 15 करोड़ का इन्होंने फर्नीचर सप्लाई किया, वो भी मेन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। और उस कंपनी उसका जो काम था, जुडिशियल अकादमी का जो काम था, 49 करोड़ का काम रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को मिला था, जिसमें ये पेटीदार कंपनी थे। और इसी तरह इन्होंने 6 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ और 22 करोड़ की सड़कें बनाई है, सड़क बनाई है, जो इन्होंने अपने दस्तावेज में लगाए हैं देवघर आईएसबीटी के टेंडर के लिए। तो किसी भी टेंडर के बारे में बात करें अभिषेक, तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, नॉर्म्स होता है, और उसमें देखा जाता है कि टर्नओवर क्या है कंपनी का। तो इस कंपनी ने अपना टर्नओवर तो दिखाया है ठीक ठाक, ये क्या किए हैं 2017-18 में इनका टर्नओवर करीब 55 करोड़ के आसपास हो गया था, और 2016 में इनका टर्नओवर 25 करोड़ के आसपास था। तो ये पेपर्स इन्होंने अपने बीड में लगाए, हालांकि चेक करना चाहिए था जो निविदा समिति थी जुटको की, कि एक पेटीदार कंपनी को इतना बड़ा काम कैसे देते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी या मैनिपुलेट किया गया होगा डेटा को, या इन्होंने जो इनकम टैक्स के आंकड़े दिए हैं और जो बिल्डिंग जो निविदा के कंप्लीशन से सर्टिफिकेट जो दिए हैं, पूर्ण निविदा पूर्ण होने के सर्टिफिकेट, उसकी अनदेखी की गई है, तभी इनको आईएसबीटी देवघर का काम मिला। और जो आप बता रहे हैं कि एक ही डिवीजन के दो कार्यपालक अभियंता ने इन्हें एनओसी दिया है, कार्य करने का अनुभव प्रदान किया है, एक में पीके सिंह हैं और एक कोई महतो जी हैं, तो ये आपका एक बड़ा सवाल है कि एक ही महीने में, मार्च के महीने में, दो तरह के सर्टिफिकेट इस कंपनी को किस आधार पर दिए गए। जी अभिषेक, बिल्कुल दीपक, क्या मैं मतलब इस मामले में थोड़ा सा मुझे हो सकता है संभव है कि ज्ञान की कमी है दीपक। जो मैंने टेंडर का प्रोसेस बताया, जहां तक मैं समझता हूं यही है कि भाई जुटको की तरफ से एक टेंडर निकला, जुटको ने बोला कि भाई मेरे ये जुटको का काम है, जो इंटरेस्टेड कंपनीज हैं वो इस टेंडर को फुलफिल करें। तमाम कंपनियों ने अपने अपने टेंडर फिल किए। अब जुटको जो है वो जांच तो करता होगा ना सर्टिफिकेट्स की, कि भाई ये सर्टिफिकेट आया इन इन कंपनी की तरफ से, ये सर्टिफिकेट आया इन इन कंपनी से, ऐसा कोई प्रोसेस तो होता होगा। या जुड़को सीधा बस जो कागज लगाए गए उनको मान लेता है कि ये अकाट्य सत्य है, बस इसी के आधार पर मुझे काम करना है। क्या ऐसी कोई मतलब समिति उमिति नहीं बनती जो जांच करे कि जो इसमें कागज अटैच किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं कंपनियों के द्वारा, वो सही हैं, गलत हैं, फर्जी हैं, क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का टर्नओवर सच में उतना है कि नहीं है, ये जांच तो होती होगी ना जी। एक जो नॉर्मल सी समझने की बात है, एक जो ग्लोबल टेंडर होती है आजकल ऑनलाइन जो निविदा बोला जाता है, उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक टेक्निकल बीड होता है और एक फाइनेंशियल बीड होता है। तो टेक्निकल बीड में क्या है कि हमारे पास इतने उपकरण हैं, इतने इंजीनियर हैं, ये हैं वो हैं, और हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उस आधार पर उस कंपनी को क्वालिफाई कर दिया जाता है और वो L1 हो जाती हैं, और बाद में वही L1 कंपनी का फाइनेंशियल बीड खोला जाता है। तो फाइनेंशियल बीड खुलने का मतलब है कि उस कार्य को आवंटित कर दिया गया जो L1 कंपनी होती है। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं अभिषेक कि निविदा समिति ने इन कागजातों की जांच की या अथवा नहीं की, तो हो सकता है कि जो टेंडर रहा होगा तो उसमें दो कंपनियों ने ही पार्टिसिपेट किया होगा, जो इनके द्वारा ही प्रमोटेड होंगे या फर क्या बोलते हैं उसको डुप्लीकेट टेंडर डमी टेंडर है उनको, कि हमें ये काम पहले से हमने सेट कर लिया कि ये डमी टेंडर। तो हम एक होता है कि हमने ये काम जो है आईएसबीटी देवघर का काम हाईटेन कंपनी को मिलना है, तो एक डमी खड़ा कर दिया, सारी चीज पहले से सेटिंग हो गई और L1 हो जाती है हाईटेन कंपनी, और उन्हें उनका फाइनेंशियल खोल के उन्हें कार्य आवंटित कर दिया जाता, ये माजरा है। तो उसमें जो आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सारे गॉन हो जाते हैं इस मैनेज टेंडर में।
अच्छा, सबसे बड़ी बात दर्शकों को हम बता दें दीपक, आज हमने जुडको का सिर्फ एक खेल दिखाया, छोटा सा खेल। अभी धीरे 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 जुडको से लेकर के JBSCCL, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीजें, इवन की वाटर सप्लाई भी दिखाएंगे। एक एक करके हम पूरी सीरीज चलाने वाले हैं, बहुत मतलब पूरा खेला है। हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे झारखंड को किस्तों में लूटने की साजिश की गई थी, वो तमाम चीजें हम आप दर्शकों के सामने रखेंगे। दीपक, बहुत समय से जी अभिषेक, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। बोलिए ना। मैं एक चीज आपको बताना, इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में प्रत्येक वर्ष 2000 करोड़ का टेंडर सिर्फ जुडको निकालता है, जो शहरी जलापूर्ति, रोड और भवन निर्माण से संबंधित होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इसका 10-20% कमीशन होता है, और इतने बड़े पैमाने पे 200-300 करोड़ की बात होती है जो सालाना होती है। और इसके जो चेयरपर्सन हैं जुडको के, वो नगर विकास सचिव हैं खुद विनय चौबे साहब, और उसके जो प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं वो सेवानिवृत्त अभियंता रमेश कुमार हैं, जो PhD से अभियंता प्रमुख होते हुए रिटायर हुए हैं, और वो सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जुडको के वही देखते हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल वही बता रहा था मैं दीपक, वही बता रहा था कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, जिस कंपनी का 3 करोड़ का क्रेडेंशियल है, मतलब किसी हालत में उसको काम नहीं मिल सकता, उस कंपनी को वाटर सप्लाई के 30 करोड़ का काम दे दिया गया है। अब उसके बाद फिर अगर हम खबर दिखाते हैं तो मुंह भाव सब सिकुड़ जाता है कि भाई न्यूज 11 भारत खबर दिखाता है, न्यूज 11 भारत आवाज उठाता है, लेकिन हमारी मजबूरी है। देखिए, अभी एक दर्शक हमें मैसेज कर रहे हैं, उनकी ये शिकायत है कि कभी रांची के चुटिया में आकर के देखें, आधा नाली आधा रोड का बहुत अच्छा निर्माण हुआ है। इसी तरीके से आप रांची के किसी सड़क में चले जाइए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, रांची के रातू रोड में एक बहुत फेमस मोटर पार्ट्स की दुकान है माउंट मोटर्स, उस माउंट मोटर्स के बगल से एक गली जाती है माउंट मोटर्स गली। कभी उस सड़क पर आप चले जाइएगा, उस सड़क में यूं कर दिया गया है कि मतलब आपको स्पीड ब्रेकर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर सड़क पर टंकियां बना दी गई हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ खास इसी सड़क के साथ होगा। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे पता चला कि पूरी सड़क जो बढ़िया सड़क है उसको इसलिए खोद दिया गया कि यह बढ़िया सड़क है, जो खराब सड़क है उसको इसलिए खोद दिया जाता है कि वो खराब सड़क है। मतलब झारखंड में ये चल क्या रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है दीपक कि आखिर ये किस तरीके का विकास है। विकास अगर इतना खूबसूरत होता है तो भैया प्रणाम है, ऐसा विकास हमको मत दीजिए। दीपक जी, अभिषेक, ये रातू रोड की जो आपने बातें कही, तो उसमें अभी एक परियोजना चला रहा है जुडको, सीवरेज जो घरों से बाहर जो सीवर निकलना है उसके लिए पाइपलाइन बिछाया जाएगा। तो आप देखते होंगे कि बढ़िया से जो PCC सड़क थी उसके में कई जगह गड्ढे हो गए हैं, तो काम करने वाला आदमी काम किया और चलता बना। तो ये सब तरह की बातें हो रही है, और जुडको व्यापक पैमाने पे न सिर्फ शहरों का आधारभूत संरचना तैयार कर रहा है, बल्कि स्मार्ट सिटी का भी काम जुडको की तहत ही देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े इन्होंने योजना बनाई है, और कैसे झारखंड को, जैसे हम लोगों ने दिखाया कि पूजा सिंगल मैडम के थ्रू एक नेक्सस के जरिए अवैध माइनिंग होती थी, इसी तरह शहरी आधारभूत संरचना विकास करने के लिए भी एक लूट मची हुई है, जिसमें सब कोई भागीदार हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त अभियंता हों जो जुडको में कार्यरत हैं, और जुडको में ऐसे 55 अभियंता हैं जो रिटायर्ड हैं, और एक भारी भरकम बजट है इनका सैलरी का। जी अभिषेक, चलिए दीपक, दर्शकों को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम पूरी सीरीज दिखाएंगे, और ये न्यूज 11 भारत है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, सबका हिसाब इधर ही लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, सबके कच्चे चिट्ठे, काले सफेद सब यहां से खोलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देख लीजिए, 2 चिट्ठियां आपकी स्क्रीन पर, उन्हीं चिट्ठियों से देख लीजिए कि खेला कैसा और कैसा कैसा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत।
सच है तो दिखेगा।